सर्दियाँ आने वाली है तो आजकल पालक मिलना शुरू हो गया है, लेकिन ये बच्चों को पसंद नहीं होता। आप एक बार ये रेसिपी ट्राई करें, आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। हेलो राजस्थानी रेखा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो हम पनीर की कई सारी सब्जी बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ पालक पनीर की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी को हमने बहुत ही अलग तरीके से बनाया है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर आप भी पालक पनीर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पालक को उबालना है, तो एक भगोने में थोड़ा सा पानी डाल के गर्म होने के लिए रख दिया। ये देखिए पानी में उबाल आ गया है, अब हम इसमें पालक डालेंगे। ये मैंने 500 ग्राम पालक लिया है, इसको 2 बार अच्छे से धो के अब हम इसे पानी में डाल देंगे। आपको जितना बनाना आप उस हिसाब से पालक कम ज़्यादा ले लीजिए। पूरे पालक को भगोने में डाल देंगे और इसे चमचे की हेल्प से पानी के अंदर तक डुबो देंगे। पालक हमारा 2 मिनट में उबल जाएगा। ये देखिए पालक का कलर चेंज हो गया और 2 मिनट हो गए हैं, पालक अब उबल चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और पालक को ठंडे पानी में निकाल देंगे ताकि पालक का कलर चेंज ना हो। ये देखिए आधा किलो पालक इतना सा हो गया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में 2-3 टेबल स्पून तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें सूखे गरम मसाले डालेंगे। ये 2 लौंग, 7-8 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज पत्ता, 1/4 चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची का बीज और 3 छोटी इलायची। थोड़ा सा जीरा डाल के चेक कर लेते हैं, तेल गर्म हो गया। अब हम इसमें सारे सूखे मसाले डाल देंगे। जब ये सूखे मसाले हल्के से भून जाए तो अब हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को हम हल्का सा भून लेंगे जब तक कि इनका कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए हरी मिर्च और लहसुन भून चुके हैं। अब हम इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज स्लाइस करके डालेंगे। अब प्याज को भी हम हल्का सा भून लेंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट से ना दिखने लगे। अब हम इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर डालेंगे। टमाटर को भी इसमें भून लेंगे। जब टमाटर हल्के से भून जाए तो इसमें आधा कटोरी मूंगफली के दाने डालेंगे। मूंगफली के दाने से इसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप चाहे तो मूंगफली की जगह काजू भी डाल सकते हैं। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। 5 मिनट हो गए, अब हमारी सारी सब्जियां और मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, साथ में पालक भी डाल देंगे। पालक भी ठंडा हो गया है और ये देखिए पालक और सब्जियों का पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। अब हम उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे और अब हम इसमें पनीर को भूनेंगे। ये 200 ग्राम पनीर लिया, इसको क्यूब में काट लिया। अब हम पनीर को हाई फ्लेम पे भूनेंगे ताकि ये कढ़ाई के तले में चिपके ना। पनीर को हमें थोड़ा ही भूनना है, अगर हम ज़्यादा भूनेंगे तो पनीर हार्ड हो जाएगा। अब पनीर को हम ठंडे पानी में निकाल लेते हैं, इससे पनीर सॉफ्ट भी रहेगा और इसमें जो भी एक्स्ट्रा तेल है वो भी निकल जाएगा। आप ये स्टेप ज़रूर करें। ये देखिए हमने सारा पनीर निकाल लिया है। अब हम उसी बचे हुए तेल में जो हमने प्यूरी बना के रखी थी पालक और सारी सब्जियों की, वो डाल देंगे। अब मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको एक बार चला लेंगे ताकि इसमें जो भी प्यूरी बची हुई है वो पानी के साथ निकल जाए। ये हमने जो जार में पानी डाला था वो इसमें डाल दिया है। अब हम इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे।
ये प्यूरी को पकाते हुए हमें 2-3 मिनट हो गए और इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच नमक। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ले लीजिए। और अब हम इन सब मसालों को प्यूरी के साथ मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम कढ़ाई को ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। पाँच मिनट हो गए हैं और अब हमारी ग्रेवी अच्छे से भुन चुकी है। इसे एक बार चला लेंगे और अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच मलाई डालेंगे। ये हमने ताज़े मलाई ली है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। मलाई को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मलाई अच्छे से मिक्स हो गई है और ग्रेवी में फिर से उबाल आ गया है। अब हम इसमें जो पनीर भून के रखा था वो डाल देंगे। ये देखिए, हमने पनीर को थोड़ा सा ही भुना, इसमें इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। पनीर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि जो भी मसाले हैं वो पनीर के अंदर तक चले जाए। 2 मिनट हो गए और अब हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। सब्ज़ी को एक बार चला लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। आप भी एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसमें ऊपर से ग्रेट किया हुआ पनीर डाल देंगे। ये इसमें ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये हमारी पनीर की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आपको कोई और रेसिपी देखनी है तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड सभी को शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए रेसिपी के साथ।